टेंथ वाला, उसके अंदर हमने बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को किया है, और ये जो हमारा 30th सेट है, 30वां सेट, इसके अंदर भी हम बायो से रिलेटेड ही कुछ और एमसीक्यूज को कवर अप करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके सभी फॉर्मेट ऑफ एग्जाम्स जो कि एसएससी करवाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हेयर इज कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन, जो हमारे बाल होते हैं उनमें किस टाइप की प्रोटीन आपको देखने को मिलती है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है केराटिन। केराटिन नाम की प्रोटीन जो है आपके हेयर्स में, बालों में देखने को मिलती है। ये एक बेसिकली एक फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है, मतलब एक जो आपके हेयर्स हैं, एक फाइबर्स है, मतलब धागे की तरह देखने मिलते हैं ना, लंबे लंबे से, इस तरीके से हेयर्स होते हैं लंबे लंबे, ये एक तरीके का फाइब्रस स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन है। ठीक है, और इस प्रोटीन की और भी, जैसे हेयर है आपका बना हुआ और साथ में हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न्स, क्लॉव्स, हूव्स, ठीक है, और जो आउटर लेयर है हमारी स्किन की, जो स्किन की आउटर लेयर होती है, स्किन आउटर लेयर, वो भी इसी की बनी होती है, किसकी, केराटिन प्रोटीन की। ठीक है, और ये जो प्रोटीन होता है बेसिकली इनसॉल्युबल होता है, किसके अंदर, इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केराटिन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज थायमिन, थायमिन किस विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, थायमिन कहा जाता है आपके विटामिन बी वन को। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर, विटामिन बी वन, इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखें, ये वर्ड एक साथ ना आकर विटामिन बी वन, ये वन जो है नीचे छोटा सा हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थायमिन, और ये जनरली कई सारे फूड्स में मिलता है, जैसे आपके यीस्ट होते हैं, यीस्ट वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सीरियल ग्रेन्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो दालें वगैरह होती हैं। ठीक है, जो बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। ठीक है, और बॉडी में ये एज अ कार्बोहाइड्रेट की तरह काम करती हैं, कार्बोहाइड्रेट की तरफ मिलती है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, ये होती है आपकी बेरीबेरी। ठीक है, जितने भी विटामिन हैं उनसे रिलेटेड एक एक बीमारी तो आपको जरूर याद होनी चाहिए कि भाई इस विटामिन से ये वाली चीज़ होती है, तो विटामिन बी वन की कमी से बेरीबेरी नाम की डिजीज होती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, थायमिन कहते हैं विटामिन बी वन को। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन ब्रेड व्हीट, जो ब्रेड मेकिंग क्वालिटी होती है व्हीट की, व्हीट किसे कहते हैं, गेहूं को। ठीक है, गेहूं से क्या बनता है आपका, ब्रेड बनता है। ठीक है, आटे से ब्रेड बनता है एक तरीके से, दूसरे टर्म में अगर जो समझे तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट या सब्सटेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनने के लिए, वो होता है आपका ग्लूटेन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ग्लूटेन। और जो ग्लूटेन होता है ये एक तरीके का क्या होता है, ये होता है आपका प्रोटीन होता है, ये दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि कहाँ देखने को मिलता है, वीट के अंदर, दिस इज फाउंड इन वीट, ग्लूटेन वीट, वीट के अंदर ये देखने को मिलता है, और इसकी हेल्प से जो फूड है वो अपनी शेप और एक स्टिकी नेचर, देखिए जैसे जब आटा गूंथते हैं आप, है ना, तो गूंथने के बाद क्या होता है कि भाई वो थोड़ा सा स्टिकी नेचर का हो जाता है, एक आपस में उसके सारे मॉलिक्यूल्स हैं बॉन्डेड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो वो इसी प्रोटीन की वजह से होता है, ग्लूटेन की वजह से। ठीक है, और ये जो है ब्रेड को, ग्लूटेन जो प्रोटीन है ये ब्रेड को क्या करता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी देने में हेल्प करता है, इलास्टिसिटी। ठीक है, जब आपने ब्रेड देखी होगी तो ब्रेड का एक पीस होता है, स्लाइस होता है, तो उसके अंदर इलास्टिसिटी, मतलब थोड़ा सा आप इधर खींचेंगे, इसे इधर खींचेंगे तो थोड़ा सा फैलती है, टूट जाती है, ब्रेकडाउन होती है, बट स्ट्रेचेबल थोड़ा सा हो जाती है ये। ठीक है, तो वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेचेबल और या इलास्टिसिटी इसके अंदर देखने को मिलती है थ्रू दिस ग्लूटेन प्रोटीन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउ मिल्क, जो गाय का दूध होता है वो थोड़ा सा वाइट तो होता है बट थोड़ा सा येलोइश कलर में होता है, येलोइश कलर गाय का दूध अगर देखा होगा तो, जैसे बफेलो का मिल्क होता है वो वाइटिश, बिल्कुल कंप्लीट वाइट होता है, बट जो गाय का दूध होता है वो थोड़ा सा येलोइश इन कलर होता है इन नेचर। अब ये क्यों होता है ये पूछा गया है, ये होता है बेसिकली जो काउ है सॉरी जो गाय का दूध है, काउ फैट जो बेसिकली होता है उसके अंदर एक कलरिंग पिगमेंट होता है। ठीक है, मतलब काऊ का जो मिल्क है, ये काऊ का जो मिल्क है उसको येलो कलर करने में
एक पिगमेंट का मतलब योगदान होता है, पिगमेंट होता है, पिगमेंट जिसकी वजह से वो येलोइश कलर में होता है, उस पिगमेंट का नाम है बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन जो है वो उसको येलोइश कलर देता है। और जो बीटा कैरोटीन है ये बेसिकली कैरोटीन जो होता है ये एक्चुअली रिच होता है किसके अंदर, विटामिन ए के अंदर। इसके अंदर विटामिन ए की जो मात्रा है वो एक प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसी की वजह से ये थोड़ा सा येलोइश कलर देखने को मिलता है। ठीक, अब साथ में जो पिगमेंट है इसके अंदर फैट भी रहता है। काऊ मिल्क के अंदर देखिए अप्रोक्सीमेटली जो काऊ का मिल्क होता है इसके अंदर जो अप्रोक्सीमेटली 87% क्या होगा, वाटर, पानी देखने को मिलता है, वाटर, और 13% सॉलिड्स होते हैं। अब सॉलिड्स के अंदर उसके कई सारे मिनरल्स वगैरह की जब हम बात करते हैं ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये एक रेशियो है कितना उसके अंदर परसेंटेज रहता है, वाटर कितना रहता है, बाकी मिनरल्स और विटामिन ये सब चीज़ें कितनी रहती हैं, 13% के आसपास रहती है। अब क्वेश्चन था हमारा येलोइश क्यों होता है, देखिए ये है ना ऑप्शन नंबर सी, कैरोटीन टुगेदर विद कैसिन, कैसिन के साथ में कैरोटीन होती है जिसकी वजह से येलोइश कलर देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, जो मिल्क है दूध है मिल्क को दही में, कर्ड मतलब दही होता है, ठीक है, दही में बनने के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो इसके लिए कर्ड कह लीजिए या फिर कर्ड की जगह एक और वर्ड यूज़ किया जाता है कई बार, योगर्ट। ठीक है, योगर्ट, योगर्ट इज ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ कर्ड। ठीक है, तो ये थ्रू होता है, एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस का नाम होता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के थ्रू ये होता है। और मिल्क के अंदर जो है ग्लोबुलर प्रोटीन देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है और जिसे कहते हैं हम कैसिन। सॉरी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी ना कि कैरोटीन विद कैसिन होता है, तो वही जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसे कहते हैं कैसिन, और फर्मेंटेशन प्रोसेस रहता है यहाँ पर। ठीक है, और कर्ड जो है एक केमिकल रिएक्शन की तरह केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है मिल्क के और मिल्क से कर्ड के बीच में कन्वर्जन में। ठीक है, और जहाँ पर कैसिन और साथ में जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन देखने को मिलती है जिसकी वजह से मिल्क जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, कर्ड के अंदर। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बात करी किसकी, यहाँ पर क्या है बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है, तो हमने बात करी थी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैक्टीरिया की वजह से ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें कहानियाँ जो है वो उससे निचोड़ आया हमारा, बैक्टीरिया की वजह से ये दूध जो है वो फटता है और फिर मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज का ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल आर मोस्ट सेंसिटिव इन विच लाइट, किस लाइट के अंदर, देखिए ब्लू ग्रीन रेड इन तीनों लाइट में से किस लाइट के साथ में क्लोरोफिल जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव देखने को मिलता है, वो होती है रेड लाइट। ठीक है, सॉरी नॉट रेड लाइट, दैट इज हाँ रेड लाइट तो होती है और एक ब्लू लाइट। देखिए हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल या जो लीव्स है ग्रीन लीव्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, वो थी आपकी ब्लू प्लस रेड, है ना। इस लाइट की जो वेवलेंथ होगी मतलब ये कलर के जो लाइट होगी ब्लू और रेड कलर की उसको सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो वही सेंसिटिव है, एब्जॉर्ब करती है, सेंसिटिव हो गई है ना। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं है, क्या है। तो पहली स्टेटमेंट है एडीपी। एडीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट इज एडीपी और यहाँ पर लिखा हुआ एटीपी। ठीक है, ये दिस इज नॉट 10, दिस इज 2। एटीपी मतलब एटीपी होता है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एक डाई हो गया, दूसरा ट्राइफॉस्फेट हो गया। ठीक,
एडीपी इज फॉर्म्ड व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड टू एटीपी, ये कहा गया है पहले स्टेटमेंट पर। तो अगर जो हम समझें इसको, जो एटीपी है, ठीक है, एटीपी जो एटीपी बनता है आपका, ये बनता है जब ट्राइफॉस्फेट, हम ट्राइफॉस्फेट की बात कर रहे हैं, ट्राइफॉस्फेट तब बनता है जब एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ऐड होता है किसके अंदर, एडीपी के अंदर। यहाँ पूछा गया रिवर्स में कि मतलब ये देखो, ये ऑर्डर ये है, एटीपी बनेगा जब एडीपी के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड बनेगा, मतलब डाई है, डाई में एक और जुड़ेगा तो ट्राई बन जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। इसमें कहा गया है कि ईडीपी मतलब रिवर्स होगा इसका, ऐसा नहीं होता है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी क्या हो जाती है, वो गलत हो जाती है ना, इसका रिवर्स नहीं होता। अगर जो ये मूवमेंट हो रही है इधर से लेफ्ट टू राइट, अगर जो ये मूवमेंट राइट टू लेफ्ट होती देन स्टेटमेंट विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द रिएक्शन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटो सिंथेसिस मे नॉट रिक्वायर सनलाइट टू प्रोसीड। अच्छा, इसमें कहा गया कि जो रिएक्शन है फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट की जरूरत नहीं होती। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए, अच्छा चलिए, ये वाला जो था फर्स्ट स्टेटमेंट, इस प्रोसेस को एक टर्म के नाम से जाना जाता है, इस टर्म को कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से इसे जाना जाता है, जब एटीपी के अंदर, एटीपी बनने के लिए जब एडीपी के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करें कि जब लाइट एनर्जी जो है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस स्टेज के अंदर रिक्वायर्ड जो होता है, तो वो होता है मतलब अगर जब लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो उस टाइम पर जो फर्स्ट स्टेज होता है बेसिकली, है ना, तो उसमें जो है लाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है लाइट एनर्जी का, ठीक है, लाइट का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव होता है लाइट का कि वो कन्वर्ट करे, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसे किसकी जरूरत होती है, सन की, है ना, सन रेज की। तो फर्स्ट स्टेज में तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, है ना। देखिए इसमें एक्चुअली स्टेटमेंट में लिखा था मे नॉट, नॉट लिखा हुआ था, नॉट में ऐसे शायद स्किप हो गया था, नहीं मे नॉट, है ना। तो देखिए एक्चुअली जो पूरा साफ कर देते हैं, पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई थी, आप समझ गए, ठीक है, ये है 2 नॉट 10, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस के अंदर मे नॉट रिक्वायर्ड, है ना, जरूरत नहीं है हमें किसकी, लाइट एनर्जी की टू प्रोसीड के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए इनिशियली जब प्लांट ग्रो कर रहा है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब शुरू होता है, तो उस टाइम पर सनलाइट की जरूरत होती है। अब सनलाइट की जरूरत इसलिए होती है ताकि वो जो लाइट एनर्जी होगा उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या, देखिए जो उसके पास फूड है, मिनरल है, उसको क्या है, वो यूटिलाइज कर सकता है, और फिर बाकी जो एक्सहेल करना है उसको, रिलीज करना है उसको, रिलीज कर सकता है। तो इस काम के लिए उसको सनलाइट की जरूरत होती है। यहाँ पे नॉट नहीं होता अगर, तो स्टेटमेंट सही होता, बट नॉट डाल दिया इसने तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा, आपको पूछा गया कि इन कौन से स्टेटमेंट गलत है इससे संबंधित, NADPH। अभी NADPH क्या होता है, ये होता है आपका निकोटेमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आप याद रखें, बट एक बार आपको सुना होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NADPH, ठीक है, H है तो यहाँ पर हाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द फुल फॉर्म, इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, ये पूछा गया है। तो जो ये NADPH है, ये एक्चुअली बेसिकली एक्ट करता है एज एन एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है, दिस एक्ट्स एज एन एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटी ऑक्सीडेंट के तरह काम करता है। इट प्रोवाइड्स द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंसी फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं उसके लिए एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंसी का काम करता है, ठीक है। तो एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्सीजन की तरह काम करता है, तो इसमें पूछा था इनकरेक्ट, तो ये क्या हो गई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर,
ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ना कि ऑक्सीडेंट की तरह, ठीक है। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फ्यूल टू रिएक्शन ऑफ सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में जाएगा उसके लिए फ्यूल का तरह काम करेगा, और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, बिल्कुल ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर एंटी ऑक्सीडेंट होना चाहिए था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो टेंडन्स जो है, टेंडन्स अटैच किए अटैच होते हैं स्केलेटन ऑफ मसल्स अक्रॉस द जॉइंट्स, ये स्टेटमेंट दी गई है। तो जो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है वैसे, तो जो टेंडन्स होते हैं ये आपके जो स्केलेटन के मसल्स हैं उनके साथ जॉइंट रहते हैं और अलाउ करते हैं किस चीज़ को, जो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल्स जो है आपका जो मास है वो सिकुड़ता है, फैलता है, फूलता है, इन सब चीज़ों के लिए हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं अक्रॉस द जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं उनके अक्रॉस पूरा, ठीक है। और जब एक मसल फ्लेक्स करती है विद मतलब एक मसल आपकी रिलैक्स कर रही है, दूसरी काम कर रही है, तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को कहा जाता है एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कभी पूछा जाए तो एंटागोनिज्म आप बता सकते हैं। तो पहले स्टेटमेंट तो आपकी सही हो गई, अक्रॉस द जॉइंट मसल्स को अटैच रहती है। देन सेरनम अलाउज द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ रिब केज, जो रिब केज होती है आपकी बॉडी के अंदर, जो रिब केज आप जानते हैं जो चेस्ट में होती है आपकी अपर पार्ट में, पेट के ऊपर जितना भी वो स्केलेटन ढांचा है आपका, दैट इज कॉल्ड रिब केज। उसके सेरनम जो है अलाउड करता है उसकी फ्लेक्सीबिलिटी को, ठीक है। देखिए सेरनम जो होता है ये सेरनम, ठीक है, ये जो वर्ड है ये एक कनेक्टिविटी की तरह काम करता है, ये कनेक्ट करता है रिब को, सारी रिब्स को कनेक्ट करता है एक्सेप्ट द लोअर पेयर, जो लोअर पेयर होता है ना रिब केज का, उसको छोड़कर बाकी सारे पेयर को क्या कनेक्ट करके रखता है, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। और जो ये तो इसकी बात हो गई, जो फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ रिब केज को करता है जो अलाउ, जो जिसके अंदर फ्लेक्सीबिलिटी की बात करी जाती है रिब केज की, वो होता है कार्टिलेज, उसे कहते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्टिलेज, उसे कहा जाता है कार्टिलेज, ना कि सेरनम। तो दिस ये जो है आपका स्केलेटन पार्ट होता है एक्सेप्ट द लोअर रिब केज पार्ट, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो बात करते हैं उस टर्म को कहा जाता है कार्टिलेज, ठीक है। अब जब ये जो केज की फ्लेक्सिबिलिटी है, जब आप सांस लेते हैं ना तो ब्रीथिंग के टाइम पर रिब केज कई बार फूल जाते हैं, जब आप इनहेल करते हैं बहुत सारी ऑक्सीजन, फिर एक्सहेल करते हैं तो एयर रिलीज हो जाती है, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका ईस्ट ए, ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन, स्टेम सेल्स जो है कहाँ देखने को मिलते हैं, बोन में, बोन मैरो में, स्केलेटन मसल्स में, या सभी में। तो एक्चुअली अगर जो हम बात करें स्टेम सेल्स की, तो स्टेम सेल्स जो है ये सभी जगह देखने को मिलते हैं, मतलब इन तीनों पार्ट्स के अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम, ठीक है। अगर जो हम बात करें स्टेम सेल्स की, तो स्टेम सेल्स जो होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये सेल्स अलग अलग होते हुए भी एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, और ये आपकी बॉडी की कुछ स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, ठीक। और ये जनरली ओरिजिनेट होते हैं दो मेन सोर्सेज से, और वो दो मेन सोर्सेज हैं आपके एंटीबॉडी, एडल्ट बॉडी टिश्यू, एक तो होते हैं एडल्ट बॉडी के टिश्यूज जो होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरा एम्ब्रायोज के अंदर, एम्ब्रायोज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे यहाँ पर भी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है बिलो अ जॉइंट एल्बो और अ नी, जो एल्बो आपका कोनी होता है, नी आपका घुटना हुआ है ना, उस जॉइंट के नीचे द बोथ लिम्स हैव पेयर ऑफ बोन्स, जो पेयर ऑफ बोन्स होती हैं हड्डियों का जो पेयर होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है आपकी कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। देखिए पहला दिया हुआ है रेडियस एंड उल्ना इन द लेग्स, जो रेडियस या उल्ना कहा जाता है लेग्स के अंदर, टीबिया और फेबुला कहा जाता है आर्म्स के अंदर, ठीक है, जो आपकी जो हाथ में कोनी होती है नी एल्बो सॉरी एल्बो और जो नी होती है आपकी वहां पर, ठीक है। तो देखिए आर्म्स और लेग्स जो हैं ये पार्ट हैं किसके, अपेंडिकुलर, जो आर्म्स अगर हम बात करें आर्म्स एंड लेग्स बोथ आर द पार्ट्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन,
अपेंडिकुलर स्केलेटन की ये दोनों पार्ट है। अपर बोन जो होती है लिम्ब के ऊपर वो क्या होती है, सिंगल होती है, ठीक है। और जो आर्म होती है, आर्म के अंदर जो इसे कहते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस कहा जाता है आर्म्स के अंदर, और लेग के अंदर इसे कहा जाता है फ्यूमर, ठीक है, एफ ई एम यू आर, ठीक है, फ्यूमर कहा जाता है लेग के अंदर, ठीक है, जो अपर बोन होती है आपकी उसे, ठीक। अब बिलो द जॉइंट, जो जॉइंट्स हैं आपके उसके नीचे की हम बात करें अगर, जो एल्बो और नीज के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके सिंगल वाले हो गए थे ना, सिंगल पेयर में। अब हम अगर जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आए तो ये जो रेडियस और उल्ना है ये एक्चुअली लेग के लिए नहीं होते, ये दोनों होते हैं किसके लिए, आर्म्स के लिए। आर्म्स के जो अपर पार्ट है, ठीक है, वहां पर जो पेयर है बोन्स का उन्हें कहा जाता है रेडियस और उल्ना, आर्म्स के लिए हाथों में। और जो टीबिया एंड फेबुला है ये आपके लिए होते हैं लेग्स के लिए, पैरों में, पैरों में जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है टीबिया एंड फुलना, जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के जॉइंट के साथ थ्रू एंकल और रिस्ट के साथ, ठीक है, एंकल एंड रिस्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या इन्वर्स कर दिया लोगों ने, लेग और आर्म को आगे पीछे कर दिया, अगर जो ये करेक्टली मैश्ड होते आपस में तो ये स्टेटमेंट सही होती, बट यहाँ पर मैश्ड नहीं है तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ह्यूमन ब्रेन के अंदर मेमोरी इज स्टोर्ड, जो आपकी याददाश्त होती है वो कहाँ आपको स्टोर देखने को मिलती है। जैसे कि हमने बात करी थी तीन पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, एक होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, सेरिबैलम, सॉरी सेरिब्रम एंड सेरिबैलम, ठीक है। तो जो आपकी मेमोरी है वो स्टोर होती है आपकी सेरिब्रम के अंदर, नॉट बैलम, कन्फ्यूजन रहती है बैलम के साथ में और ब्रम के साथ में। तो जो मेमोरी स्टोर होती है आपकी याददाश्त होती है वो कहाँ होती है, सेरिब्रम के अंदर, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब ये तीनों पार्ट्स में से सबसे बड़ा पार्ट है आपका सेरिब्रम का, जो कि एसोसिएटेड होता है किसके साथ, हाईली ब्रेन फंक्शन के साथ, ठीक है। जैसे कुछ सोचना है आपको, कुछ एक्शन करना है, या आपकी जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको कंट्रोल करता है आपका सेरिबैलम, ठीक है। अब इसके थ्रू जो होता है कि आप सोचते हैं, देखते हैं, थिंक करते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से प्लानिंग करते हैं, मेमोरी वाला पार्ट, जो जितना भी ये सब चीज़ होता है दिमाग लगाने वाला काम, वो सारा काम होता है सेरिबैलम ब्रम के अंदर। सेरिबैलम क्या करता है, सेरिबैलम क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, इन्फॉर्मेशन लेता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और रेगुलेट, बेसिकली ये रेगुलेटर के तरह काम करता है, ट्रांसपोर्टर के, यहाँ से चीज ली, यहाँ ली और फिर आगे भेज दिया, ठीक है। और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग, हार्ट ब्रीथिंग, या आप ब्लड वेसल फंक्शन, इन तरह की चीज़ों को वो रेगुलेट करता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही करता रहता है, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है कौन, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेरी पैरम। चलिए फिर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैमल्स जो है, मैमल्स वो किसकी रिस्पायर करते हैं, मतलब मैमल्स जो है वो सांस लेते हैं वो किस चीज़ से लेते हैं, ठीक है, उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बेसिकली वो कौन सा है। मैमल्स मतलब जैसे हम इंसान, इंसानों के अंदर क्या होती है, लंग्स, लंग्स के थ्रू हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, जहाँ से हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और रिलीज करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक। वहीं पर अगर जो हम ट्रैकिया, ट्रैकिया की बात करें, ये एक दिस इज अनदर नेम ऑफ विंड पाइप, जो आपकी विंड पाइप होती है ना, विंड पाइप, ठीक है, मतलब जो सांस हमने ली तो नोज से वो फेफड़ों तक पहुंचने के लिए जो विंड पाइप है उसे कहा जाता है ट्रैकिया, ठीक है, अनदर नेम ऑफ ट्रैकिया इज विंड पाइप, ठीक है। अब ठीक है, ओके, और गिल्स तो आपको पता ही, गिल्स कहाँ पर होते हैं, फिशेस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप, कौन सा सेल है, अमीबा, ल्यूकोसाइट या दोनों, इनमें से कोई सा भी नहीं, जो अपनी शेप्स को बदल सकता है, चेंज कर सकता है जब चाहे। तो वो देखिए, अमीबा भी जो होता है, अमीबा और ल्यूकोसाइट, ये दोनों ऐसे सेल्स हैं बेसिकली जो कैपेबल होते हैं किसके लिए, अपने शेप्स बदल सकते हो। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बोथ ऑफ देम, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
और जो ये आपका ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट को कहते हैं WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल के होता है ये, इसका फुल फॉर्म है। ल्यूकोसाइट और व्हाइट ब्लड सेल एक ही चीज़ है, ये कैपेबल होता है अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है, जो हेल्प करता है शेप चेंज करके। वो क्या करता है, देखिए ऐसा था ये गोल गोल, फिर इसने अपने आप को इस तरीके से बना लिया, इस तरीके से, फिर ये कुछ टाइम के बाद ये अपने आप को इस तरीके से कर लेगा। तो अभी क्या है, कोई भी बैक्टीरिया आएगा आपका, है ना, जो बैक्टीरिया इन द सेंस की जो हार्मफुल एजेंट है, हार्मफुल जिसको जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो इसको क्या इसके अंदर ले लेगा, उसको खत्म कर देगा, खा जाएगा, किलिंग कर देगा, ठीक है, किल कर देता है। तो इस तरीके का शेप्स ये लोग चेंज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका अमीबा है, ये तो ल्यूकोसाइट हो गया, अमीबा जो है, अमीबा अपनी शेप चेंज करता है किसकी हेल्प से, ये हेल्प करता है सीडोपोडा, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया एक होता है जिसकी मदद से ये अपने शेप को, पोजिशनिंग को चेंज करता है। सीडोपोडा हेल्प्स करता है उसके अमीबा को फूड कैप्चर करने में। अब ये भी यही मान लीजिए अमीबा, अमीबा है, दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, शेप किसी भी चेंज में कर सकते, तो शेप का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे अमीबा है, तो अमीबा भी अपनी स्ट्रक्चर को, शेप को इस तरीके से कर सकता है, कोई फूड आ रहा है, खाना आ रहा है इसी तरफ, तो उसको जैसे खाना यहाँ पर पहुँचा, उसने क्या अपना मुंह बंद कर लिया, वापस से वो इसी शेप में आ गया, तो जो फूड था वो इसके अंदर चला गया, तो इसको ये कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। और इसी तरीके की मूवमेंट की वजह से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ये सेल्स जो है मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल जो होता है प्रोग्राम सेल का, प्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज, ठीक है, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम सेल की जब डेथ होती है उसको क्या कहते हैं, वो कहा जाता है आपका एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, जो सेकंड ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये प्रोग्राम्ड डेड सेल होते हैं जो अकर होता है कहाँ पर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही देखने को मिलता है, और जो एवरेज एडल्ट है, मतलब जो एडल्ट पर्सन है एवरेजली, ऑन एन एवरेज जो उसके अंदर सेल्स का जो लॉस होता है, ठीक है, मतलब जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली पर डे, जो डेड, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर पर डे 50 to 70 billion सेल्स जो हैं पर डे में डेड होते रहते हैं, मतलब एक दिन में इतने मरते रहते हैं और फिर रिजनरेट होते रहते हैं, तो ये साइकिल चलता रहता है आपका, ठीक है। और नेक्रोसिस, जो नेक्रोसिस होता है ये कहलाता है डेथ ऑफ सेल और टिश्यूज थ्रू विच डिजीज और इंजरी होती है, ठीक है, तो सेल की डेथ के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो कहलाता है नेक्रोसिस, ठीक। तो मॉलिकुलर कंट्रोल और प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ मतलब एक बार सेल की लाइफ क्या होती है, बहुत कम होती है, दिन भर में हजारों सेल्स, लाखों सेल्स आपके पैदा होते हैं, मरते रहते हैं, ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं एप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, तो देखिए न्यूक्लियस का पार्ट जो नहीं है वो है इनमें से राइबोसोम, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का पार्ट जो नहीं है वो है राइबोसोम। राइबोसोम एक्चुअली देखने को मिलता है कहाँ पर, इन द साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है, और ये बाउंडेड होता है थ्रू आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये बाउंडेड रहता है, ठीक है। इनमें से कौन सा सेल नहीं है, मतलब किसको आप सेल नहीं कह सकते, आरबीसी सेल होता है, स्पर्मेटोजोआ सेल होता है, बैक्टीरियम क्या है आपका सेल रहते हैं इसके अंदर, वायरस इज नॉट हैविंग अ सेल, ठीक है, वायरस के अंदर जो है वो सेल्स आपको देखने को नहीं मिलते, ये बेसिकली ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वायरस जो है ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शन फैलाने वाला एक एजेंट होता है जो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को, सेल के लिविंग, जो लिविंग सेल्स है उसके अंदर ही देखने को मिलता है, बट दिस इज नॉट अ सेल, ठीक है, क्लियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जो कि सेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये मेनली किसकी बनी होती है, ये बनी होती है मेनली पेप्टिडो ग्लाइकन की, पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है, और पेप्टिडो ग्लाइकन, और या इसे कहते हैं म्यूरिन, ठीक है,
म्यूरिन भी कहा जाता है इसे, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन, इसकी बनी होती है आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल, ठीक है, और जो कि बनती है कब, पॉलीसेकेराइड चेन जो रिएक्शन होती है अनयूजुअल पेप्टाइड्स के थ्रू, तो वहां पर ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके जो सेट नंबर 30 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द बायोलॉजी पार्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।